हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज शैक्षिक मनोविज्ञान में हम देखने जा रहे हैं लर्निंग, सीखना या अधिगम। तो चलिए फिर हम अपनी सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। साथ में सेशन आपको यदि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री कोर्स का लाभ ले सकें। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। साथ ही साथ आप लोगों को एक जानकारी ज़रूर देना चाहूँगी कि जो भी हम YouTube में जो कवर कर रहे हैं, यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो इसकी PDF आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए आपको करना क्या होगा, तो उसके लिए आपको हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है या कमेंट सेक्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से जाकर ये आप लोगों को हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा एवं उसके बाद में आप ये PDF को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती व्याख्याता नाम से आपको एक फोल्डर दिखाई देगा। स्टोर सेक्शन में जब आप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप के स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो वहां से आप इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं जो है 9584532690। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं एवं जो भी जानकारी आपको इससे संबंधित चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहां हम देखने जा रहे हैं सीखना, जिसे हम अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि आखिरकार अधिगम होता क्या है, तो अधिगम क्या होता है कि यदि हम बात करें सीखना, तो सीखता व्यक्ति कब से कब तक है, तो सीखता व्यक्ति जब से हमने जन्म लिया है, जब से हमने जन्म लिया एवं मृत्यु पर्यंत तक हम सीखते ही रहेंगे और सीख रहे हैं एवं सीखते ही रहेंगे। और हम अपने जीवन के प्रत्येक प्रत्येक अवस्था में अपने जीवन सभी व्यक्ति हर एक अवस्था में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से कुछ चीज सीखता ही है एवं जो हम सीखते हैं जो हम दिन प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति जो अपने जीवन में जो कुछ भी सीख रहा है तो उसे क्या प्राप्त होते, तो उसे अनुभव जो प्राप्त होते, तो उन अनुभवों को जब हम एकत्र करते हैं, ये जो नवीन अनुभव को जो हम एकत्र करते हैं तो वह व्यक्ति के व्यवहार में ये वृद्धि करते हैं ये अनुभव एवं संशोधित करते हैं उनके व्यवहारों को, व्यवहार में वृद्धि एवं संशोधन लाते हैं। ठीक, और जब हम इनका प्रयोग अपने जीवन में करते हैं तो हम कहते हैं कि यही क्या कहलाता है, तो यही अधिगम या फिर सीखना कहलाता है। जैसे कि यदि हम मान करके चले कि हमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा, पढ़ा, सब कुछ किया, यदि वो चीजें हमारे व्यवहार में नहीं उतरी तो इसका मतलब हम कहीं भी नहीं बोलेंगे कि हमने ये चीज सीखा है, ये चीज हमने सीखा है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो कि आज मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी उसको पोस्ट किया है, यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में यदि आप जाएंगे तो वहां पे मैंने आज एक बहुत ही अच्छा, एक मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने पोस्ट किया, थॉट को मैंने एक वहां पे पोस्ट किया, और वो ये है कि शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखे तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। इसका क्या अर्थ हुआ कि आप एक शिक्षित वर्ग हैं, तो वो शिक्षा आपके व्यवहार में नजर आनी चाहिए। अब वो नजर आने का उसका कहीं भी ये तात्पर्य कोई ये ना लगाए कि हमें एटीट्यूड दिखाना है लोगों को, नहीं नहीं हम तो एकदम पढ़े लिखे हैं, हम तो नहीं, वो एटीट्यूड नहीं आना चाहिए आप में, आप सदा सर्वदा विनम्र रहें। ठीक है, ये हमारे जीवन, ये सीख है हमारे जीवन की, हमें विनम्रता ही अपने जीवन में अपनाएं। लेकिन आपको कहीं पे भी आपके बर्ताव ऐसे नहीं होने चाहिए कि लोग बोले ये देखो ये इस तरीके के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो पढ़े लिखे, ये कोई ये तुलना आपकी ना करे कि ये कैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ठीक है, तो वो आपके बर्ताव में, आपके बिहेवियर में वो चीज दिखना चाहिए और वही क्या कहलाता है, अधिगम, उस या फिर हम बोल सकते हैं इसे ही हम सीखना कहते हैं। ठीक, तो आपसे यदि एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि आखिर अधिगम क्या होता है, तो अधिगम होता है
कि या फिर सीखना क्या होता है कि जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं तो उन अनुभवों का यदि हम उपयोग कर रहे हैं तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम अधिगम या सीखना कहते हैं। ठीक, यदि हमने पढ़ा बहुत कुछ और उसको यदि हमने अपने एग्जाम में अप्लाई नहीं किया है तो हमने पढ़ा क्या, हमने अधिगम क्या किया, हमने लर्न क्या किया है, तो वो चीज नहीं पता चला ना। तो वो पता उसका यानी कि उपयोग होना चाहिए, इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। ठीक, यदि हम अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा की बात करेंगे तो अधिगम या सीखना एक बहुत ही सामान्य और आम प्रचलित प्रक्रिया है, बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है जो कि जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है और यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता ही रहता है। ठीक है, और सीखता ही रहता है जीवन पर्यंत। यदि पूछा जाएगा कि ये सीखना कब से कब तक की प्रक्रिया है तो जीवन पर्यंत चलने वाली यह प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली यह प्रक्रिया है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक हम अपने सीखते हैं। ठीक है, और सामान्य अर्थ की यदि हम बात करें तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखे तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा ही है। ठीक है, वो हमारी शेल्फ, हमारी अलमीरा को सजाने के लिए नहीं होती कि हमने कहा कि हमने ये चीज किया है, वो आपके बर्ताव में नजर आनी चाहिए। तो सीखना यदि हम देखें तो क्या होता है, लर्निंग रेफर्स टू व्हाट, लर्निंग रेफर्स टू चेंज इन बिहेवियर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, चेंज इन बिहेवियर इज टर्म्ड एज लर्निंग। ठीक है, परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना या अधिगम नहीं कहा जा सकता। कुछ भी परिवर्तन कर लिए तो उसको बोल दो कि इससे हम तो सीख रहे हैं। नहीं भैया, उसको नहीं बोलते हम सीख रहे हैं, है ना। हर एक व्यवहार में आपके परिवर्तन वो सीखना नहीं कहलाएगा, उसके लिए भी अलग अलग बहुत सारे यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इसको परिभाषित किया गया है। आइए देखते हैं वुडवर्थ ने क्या कहा है सीखने को, अधिगम को। तो वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्या बताया उन्होंने, नया ज्ञान, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की ही प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो सीखना कहलाती है। बट वुडवर्थ से With respect to learning, Woodward says that the process of acquiring new knowledge and new responses in the process is the process of learning. The process of acquiring what? The process of acquiring new knowledge and new responses. Naveen gyan, naveen pratikriya. ठीक है, नया चीज आपने प्राप्त किया, वो Woodward ने कहा कि ये तुमने सीख लिया। ठीक, फिर उसके बाद में गेट्स ने क्या कहा, तो गेट्स का कहना है कि गेट्स एवं अन्य बहुत सारे लोग हैं उनके साथ में, उनका ये कहना है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। आपके जो अनुभव है, आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आपने जो ट्रेनिंग ली है, उससे यदि आपके व्यवहारों में परिवर्तन आ जाता है तो उसे ही हम कह देंगे कि आपने लर्न की, आपने लर्निंग किया हुआ है, आपने अधिगम किया हुआ है, आपने सीखा है। ठीक, जैसे कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो शिक्षक के अंतर्गत यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, ये कोई ना बोले वर्ग दो वर्ग तीन या नहीं, ऐसा मैं कहीं पे भी नहीं बोल रही हूँ, शिक्षक टीचर की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, लेक्चरर बोल दीजिए, आपको जो इच्छा वो बोलिए। ठीक है, एजुकेटर बोलना है, जो बोलना है वो बोल दीजिए, लेकिन आपके अनुभव होंगे, आप पढ़ रहे हो, आपके अनुभव है, उसके बाद में आपकी पर्टिकुलरली ट्रेनिंग हो गई, नई नई चीज़ों के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, आरटी भी यही प्रावधान की है कि ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो तो वहां से जो आप सीख करके आओगे तो आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा उसको ही गेट्स का क्या कहना है कि वही ना अधिगम है, वही ना लर्निंग है। तो लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, फिर क्रो एवं क्रो का क्या कहना है कि सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही सीखना कहलाता है। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि नेगेटिव एटीट्यूड। कैसा एटीट्यूड रखना है हमें अपनी लाइफ में,
पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपकी अभिवृत्तियां कैसी हो, आप चीजों को कैसे देख रहे हो, आप चीजों को सकारात्मक रूप से देख। हाँ बिल्कुल, व्यवधान समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन वहां पे भी आपकी सकारात्मकता आपको उस मुसीबत से, उस जो भी कठिनाई, जो भी परेशानी है, आपकी सकारात्मक सोच उसे बाहर निकालेगी। तो लर्निंग क्या है? हैबिट्स, एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। ऐसा कौन बोल रहा है? तो क्रो का कहना है, ठीक। फिर उसके बाद क्रॉनवेक का क्या कहना है? तो इनका कहना है कि सीखना या अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप, सीखना या अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। सीखना, लर्निंग इज शोन बाय अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। आप अपने अनुभवों के माध्यम से यदि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए हैं, तो कॉनवेक का कहना है कि यही अधिगम है, ठीक है। चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर मॉर्गन और गिलीलैंड का क्या कहना? तो इनका ये कहना है कि अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है। परिमार्जन मतलब चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने डिफाइन किया। क्या बोला मॉर्गन ने कि अधिगम या सीखना क्या होता है? अनुभव के परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कुछ परिमार्जन कर रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशन ला रहे हैं हम व्यवहार में, भले ही वो कुछ समय के लिए क्यों, कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है, लेकिन आया तो ना, तो इसका मतलब वो लर्निंग है। मॉर्गन के अनुसार लर्निंग इज सम मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस विच इज रिटेन फॉर एटलीस्ट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। भले ही थोड़ी देर के लिए, भले ही हमने ये जाना कि नहीं नहीं हमें ना ऐसे बात करना है, अब हम भले ही अपने घर में किसी तरह, लेकिन हम जब सोसाइटी में, हम जब समाज के बीच में बैठे, हम एकदम सभ्य बने, ठीक है, हमने वो चीज वहां पे सीखा कि लोगों के सामने ना ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, हम भले ही थोड़ी देर के लिए वैसे, लेकिन हमने कुछ तो जाना ना, हमने कुछ तो सीखा ना कि चार लोगों के बीच में कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, हो गया, यानी कि हमने लर्न कर लिया, ठीक है। फिर क्या, जीडी बोआस का क्या कहना है? तो इनका कहना है कि सीखना या अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान एवं दृष्टिकोण अर्जित करता है, ठीक, जो कि सामान्य जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। क्या है? व्यक्ति क्या कर रहा है? विभिन्न आदतें, ज्ञान एवं दृष्टिकोण अर्जित करता है, ठीक। लर्निंग इज द प्रोसेस। तो जीडी बोआस का क्या कहना है कि लर्निंग क्या है, अधिगम क्या, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, बाय विच द इंडिविजुअल एक्वायर्स वेरियस हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड, जिसके द्वारा व्यक्ति बहुत सारे हैबिट्स, नॉलेज और एटीट्यूड को क्या करता है, एक्वायर करता है, जो कि नेसेसरी हो जाते हैं फॉर व्हाट, टू मीट द डिमांड ऑफ लाइफ इन जनरल, जो कि जरूरी किस लिए हो जाता है। अब जैसे कि हम मान करके चलते हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में हमको पता है कि हम अपने घर में बहुत ही गुस्सैले वाले, हम बहुत ही क्रोधी स्वभाव की व्यक्ति है, हमें थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा हो जाता है, या फिर हम थोड़ी थोड़ी बातों पे लोगों से रुष्ट हो जाते हैं, हम मुंह फुला लेते हैं, लेकिन जब हम जब ऑफिस जा रहे हैं, तो वहां पे हमको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। आप घर में जैसे हो, आप वहां पे वैसे नहीं रह सकते। जब आपने अपने हैबिट्स को चेंज कर लिया, आपने कुछ चीज, न्यू थिंग्स को गेन किया, नॉलेज आपने एक्वायर किया है, आपने एटीट्यूड कैसा रखना है वहां पे उसको चेंज किया, तो ये तो जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप ऑफिस जा रहे हो तो लोगों पे चीखोगे चिल्लाओगे नहीं, वहां पे चीखोगे चिल्लाओगे तो फिर टाटा बाय बाय हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एटलीस्ट टू मीट द डिमांड ऑफ लाइफ, जो सामान्य जीवन को, मांगों को पूरा करने के लिए भी जो हम आदत, ज्ञान और दृष्टिकोण अर्जित करते हैं ना, तो वो भी सीखना ही कहलाता है। तो ये कौन बोला? तो जीडी बोआस का कहना है, ठीक है। हिलगार्ड का क्या कहना? तो हिलगार्ड का कहना है कि सीखना या अधिगम एक प्रक्रम है, ये प्रक्रम मतलब प्रोसेस है, ठीक है, जिससे प्रतिफल परिस्थिति से प्रतिक्रिया, प्रतिफल परिस्थिति से प्रतिक्रिया के द्वारा क्रिया आरंभ होती है या परिवर्तित होती है, बशर्ते कि क्रिया में परिवर्तन की विशेषताओं को जन्मजात प्रवृत्तियों, परिपक्वता और प्राणी की अस्थायी अवस्थाओं के आधार पर न समझाया जा सकता हो। क्या बताया गया? लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच एन एक्टिविटी ओरिजिनेट और इज चेंज्ड थ्रू
reacting to an encountered situation, provided that the characteristics of the change in activity cannot be explained on the basis of native tendencies, maturation or temporary status of organism. देखो Hilgard ने क्या कहा है, तो Hilgard का कहना है कि सीखना क्या होता है, ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रम है, जिससे प्रतिफल परिस्थिति से प्रतिक्रिया के द्वारा, जो भी परिस्थिति में हम वहां पे कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ये यहाँ से आरंभ होती है, ठीक है। लेकिन उस समय बशर्ते की क्रिया में जो परिवर्तन की विशेषताओं को, आप ये ना सोचे जन्मजात प्रवृत्तियों, परिपक्वता और प्राणी की अस्थायी अवस्थाओं के आधार पर न समझाया जा सकता। देखो हम कोई भी, हमारे सामने ना अब कोई भी हम परेशानी दिक्कत की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई समस्या आन पड़ी है, समस्या आन पड़ी, अब हम उसको किस तरीके से उसका निपटान कर रहे हैं, समस्या के सामने उस समय हमारी क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, कोई व्यवधान आ गया, समस्या आ गई, हम मान करके चल रहे हैं कि अभी ना कोई भी अभी जॉब वैकेंसी आ नहीं रही है, ठीक है। अब ये देखा जाए तो ये एक जीवन का एक स्टेज तो है, ठीक है। अब यहाँ पे हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, हमारा जो रिएक्शन है, अब आप इससे डिसाइड मत करो कि ये व्यक्ति ऐसा है कि और ये इतना मैच्योर है, इस तरीके की बात करते हो तुम, ऐसा बात करते हो, ऐसा करते हो, वो करते हो। अब इस समय आपको क्या सोच रखनी है, आप किसी भी परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, तो यही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है Hilgard के अनुसार। यानी कि लर्निंग कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कि एक्टिविटी से ओरिजिनेट होती है, जो कि डिमांड करती है कि आप किसी सिचुएशन को कैसे एनकाउंटर कर रहे हो, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन वहाँ पे आपके रिएक्शन को कोई भी जज ना करे, आपकी टेंडेंसी, मैच्योरेशन और टेम्पररी स्टेटस के अनुसार, यानी कि वहां पे किसी भी एक्टिविटी में कोई भी ये अस्थायी अवस्थाओं के आधार पर उसे नहीं समझाया जा रहा है, बल्कि वहां पे आपने प्रतिक्रिया क्या किया, जीवन में समस्याएं आती हैं, जी हाँ आती हैं, उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या है परिस्थितियों के सामने, वही है Hilgard के अनुसार सीखना, ठीक है, समझ में आगे बढ़ते हैं। ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन का क्या कहना है, तो व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, तो अधिगम कहलाता है। एनी चेंज ऑफ बिहेवियर विच इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड विच कॉजेस पीपल टू फेस लेटर सिचुएशन डिफरेंटली मे बी कॉल्ड लर्निंग। देखो आज समस्या है, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम किस में पढ़ रहे हैं, एक प्रेशर के माहौल में पढ़ रहे हैं। प्रेशर के माहौल में कैसे पढ़ रहे हैं कि अरे यार अभी वैकेंसी आई नहीं है, संभावना है, अभी हमारी जॉब लगी नहीं, हम पढ़ रहे हैं। अभी घर से भी बोला जा रहा है, अभी तक लोगों चार जन के द्वारा बोला जा रहा है, आस पड़ोस मोहल्ले और परिवार के संबंधी सभी के द्वारा, अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ, इतने समय होंगे तुमको पढ़ते, अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ। ये सभी चीजों में जो आप अनुभव प्राप्त करोगे, आपकी जो लेटर लाइफ में, बाद की लाइफ में, जब कहीं पे भी इस तरीके की कोई समस्याएं आ रही हैं, जब चार बातें आपको सुनाई जा रही हैं और उसमें आप लोगों को उन बातों से प्रभावित नहीं होना है, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है, एवं उन स्थितियों से आप किस तरीके से निपट रहे हो, उन स्थितियों से आप किस तरीके से निपटारा कर रहे हो ऐसी परेशानियों का, वही और वो स्थितियों का आप कैसे उन परेशानियों का आप कैसे सामना कर पाओगे, अपने अनुभवों के आधार पर, जो प्रतिक्रियाएं या फिर हम बोल सकते हैं जो परिणाम अनुभव के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और वो हमारे व्यवहार को यदि परिवर्तित करते हैं और हमारे बाद में यानी कि आने वाली स्थितियों में हम किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से उन परिस्थितियों का हम जब सामना करते हैं, तो उसे ही हम ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन के अनुसार अधिगम कहते हैं, उसे ही हम सीखना कहते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ तो रोज नए नए चैलेंज देता है कि नहीं, जीवन हमें रोज रोज हर एक दिन एक नया चैलेंज आ जाता है, ठीक है। अब उस नए चैलेंज में हम भी डिपेंड करता है, आप उस चैलेंज में, अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उस चैलेंज में रोना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, आप वहीं पे रुकना चाहते हैं या आगे चलना चाहते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। तो बस वही है सिम्पसन, ब्लेयर और जोन्स के अनुसार, ठीक है। फिर उसके बाद सर्टेन, नॉर्थ और स्ट्रेंज तथा चैपमैन के अनुसार क्या कहना है, इनका ये कहना है कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है।
स्थायी परिवर्तन आ जाता है। किसके अनुसार? सर्टेन नॉट स्ट्रेंज तथा चैपमैन का यही कहना है कि लर्निंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच रिलेटिवली एंड्योरिंग चेंज इन बिहेवियर अकर्स एज एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। यानी कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया हमारे अनुभव के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। आप डेली एक ही चीज का आप डेली आप प्रैक्टिस करो, आप उसका क्या करो, आप डेली उसकी आदत डालो। जब कोई चीज हमारी आदत बन जाती है ना, जब कोई चीज हमारी आदत बन जाती है तो निश्चित रूप से वो हमारे व्यवहार में आ जाती है, हमें दिखाई देने लगती है हमारे बिहेवियर्स में। तो जब वो बिहेवियर्स में दिखाई देगी, यानी कि वो क्या है, वो हमारे जीवन का स्थायी परिवर्तन है, यानी कि वो परमानेंट क्या है, परमानेंट चेंज हो चुका है, यानी कि वो ऐसा चेंज है कि स्थायी रूप से अब वो चेंज आ चुका है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम सर्टेन नॉट अ स्ट्रेंज के स्ट्रेंज तथा चैपमैन के अनुसार अधिगम कहेंगे, ठीक है। फिर मॉर्गन किंग विस्ज तथा स्कॉपलर के अनुसार क्या है, तो अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही सीखना है। सेम चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं। यानी कि लर्निंग क्या है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि जो भी हम एक्सपीरियंस के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, अनुभव के परिणाम स्वरूप जो हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आ जाते हैं, उन्हें ही हम सीखना कहते हैं। यहाँ से आप लोगों को एक बात समझ में आई, यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे जितनी भी चीजें, हम जितनी भी परिभाषाएं देखी, उन सभी परिभाषाओं में हर किसी ने कहा व्यवहार में परिवर्तन कैसे आएगा, अनुभवों के आधार पर आएगा। तो एक चीज जरूर याद रखना, यदि सामान्य रूप से यदि लर्निंग के बारे में आपसे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज टर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अनुभवों के आधार पर जो हमारे जीवन में, व्यवहारों में जो परिवर्तन आ जाते हैं, उन्हें ही हम अधिगम या लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगी, फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है, तो जो मैंने आपको बताया है कि जैसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, तो वहां से आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे जो क्लासेस YouTube में होती जाती हैं, वैसे वैसे वो सभी PDF वहां पे अपलोड कर दी जाती हैं, ठीक है। इसके लिए आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जो है 9584532690। ठीक, इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।